अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान और अमरीका ने हमेशा से इल्ज़ाम लगाया है कि उसके सरहदी इलाकों से मुख्तलिफ अनासर बॉर्डर पार जाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। जी हाँ, यही शिकायत पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी है। अब जबकि पाकिस्तान ने बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए तोरखम में अपने हदूद के अंदर गेट और बाड़ लगाने पर काम शुरू किया, तो अफगान फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू करके एक पाकिस्तानी मेजर को शहीद कर दिया। यहाँ पर सवाल यह है कि अफगानिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट के आखिर खिलाफ क्यों है? हाल ही में DGISPR ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि चारसदा यूनिवर्सिटी पर हमले के जो मुजरिम थे, ये भी तोरखम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में आने में कामयाब हुए। अब अगर पाकिस्तान अपने बॉर्डर महफूज अब बनाना चाहता है, तो आखिर अफगानिस्तान क्यों सरहद पर कशीदगी को हवा दे रहा है? क्या अफगानिस्तान की जो टूटी फूटी हुकूमत है, क्या इसमें इतना दम है कि वो पाकिस्तान की जो फौज है इसके खिलाफ जंग कर सके? यकीनन नहीं। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अफगानिस्तान ये सब कुछ अमेरिका और भारत की शह पर कर रहा है? इस कशीदगी का आगाज ही नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे अफगानिस्तान के बाद हुआ, जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का 6 माह में दूसरा दौरा काबुल था। अफगानिस्तान भारत का पाकिस्तान मुखालिफ गठजोड़ हम सबके सामने है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम भारत से ताल्लुकात ना रखें, जो हमें कबूल नहीं है। दूसरी जानिब अमरीका पहले से ही पाक चीन इक्तसादी राहदारी मनसूबे पर कुछ तहफ़ुज़ात रखता है। तो क्या तोरखम बॉर्डर पर कशीदगी किसी आलमी इंटरनेशनल गेम का हिस्सा है? पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो अफगान सरहद पर बाड़ और कई गेट लगाएगा, जबकि पाकिस्तान में अफगान सफीर की बिन ने धमकी दी है कि तोरखम पर जो गेट की तामीर है, अगर ये ना रोकी गई तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। तो क्या समझा जाए, क्या ये कशीदगी मजीद बढ़ेगी? आखिर क्यों अफगानिस्तान नहीं चाहता कि सरहद पर मौसम मैनेजमेंट हो, जिसका फायदा दोनों ममालिक का होगा? क्या ड्यूडन लाइन के जरिए इस तनाजे के गड़े मुर्दे को क्या दोबारा उखाड़ा जा रहा है? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। क्या आज डॉक्टर तारुल कादरी सानिहा मॉडल टाउन के 2 साल मुकम्मल होने पर लाहौर की जो मॉल रोड है, इस पर धरना दे रहे हैं? जमात इस्लामी और काफली के अलावा तहरीक इंसाफ भी तारुल कादरी के धरने की हिमायत कर रहे हैं। तो क्या सियासी जमातों की जो सफबंदी है किसी बड़े एहतजाज का इब्तदाई ट्रेलर है? डॉक्टर तारुल कादरी की पाकिस्तान आमद और हुकूमत के खिलाफ जो धरना देने की टाइमिंग्स हैं, ये पहले ही जेर बहस हैं। क्या आखिर उन्होंने उसी वक्त कैनेडा से पाकिस्तान आने का फैसला क्यों किया जब हुकूमत मुखालिफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं? उधर पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ वाले हमेशा मशकूक रहते थे कि आया वो इनके साथ हैं या हुकूमत के, इमरान खान का एक अहम बयान सामने आया है कि ये हो सकता है कि अगस्त में मेरे साथ दूसरे कंटेनर पर बिलावल हों। बिलावल भुट्टो जरदारी में याद रहे कि हाल में ये बयान दिया था कि नवाज हुकूमत तो ना तो रियायत मिलेगी और ना ही उन्हें एहतसाब से भागने दिया जाएगा। आखिर ये तमाम सूरत हाल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि गुज़श्ता धरने के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज़ हुकूमत को बचाने में अहम किरदार अदा किया था, और अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनती है तो यकीनन ये नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। तो क्या ये फैसला हो चुका कि TORS कमीशन नाकाम है और अपोजिशन अब सड़कों पर निकलेगी? क्या आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो तहरीक चलाने के हवाले से एक ही सफ़े पर हैं? क्या जरदारी साहब जमहूरियत के नाम पर हुकूमत का एक बार फिर साथ देंगे, या फिर साबिक सदर भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनेंगे, जिन्हें डॉक्टर आसिम के एतराफ़ी बयान जारी करके वार्निंग दी जा रही है? डॉक्टर तारुल कादरी के धरने के तनाजुर में आखिर सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद से रऊफ क्लासा साहब मौजूद हैं और कराची से जफर हिलाली साहब मौजूद हैं, और टेलीफोन लाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लासा साहब, पाक अफगान हालिया जो कशीदगी है, क्या आप समझते हैं कि इसके ताने माने जो हैं ये नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे काबुल से मिलते हैं, जिन्होंने 6 माह के दौरान दूसरा ये अफगानिस्तान का दौरा किया, और फिर चौधरी निसार की बात को दुरुस्त समझ लिया जाए कि जो हमसाया मुल्क है ये किसी और के हाथों में खेल रहा है जिसका नुकसान इसको होगा? पहली बात तो शाजिया, जो आपने अपने इंट्रो में की है, मेरा ख्याल है वो बड़ी खूबसूरत बात है, और जिस पे मेरा ख्याल अफगानिस्तान हो या किसी भी मुल्क को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि हम अपनी साइड ऑफ द बॉर्डर के अंदर हम जो कुछ करना चाहें, हमें यह हक है। मेरा ख्याल पाकिस्तान को ये राइट बनता है कि वो अपने यहाँ जो भी बॉर्डर मैनेजमेंट करनी है, गेट्स लगाने हैं, कोई उन्होंने अपने सिस्टम उन्होंने आगे इन
प्लेस करना, ये पाकिस्तान का बेसिक राइट है, इसको कोई भी मेरा ख्याल है आके चैलेंज नहीं कर सकता, कोई कह भी नहीं सकता आप क्यों कर रहे हैं। आपको अगर याद हो इंडिया ने किया है, इंडिया ने यहाँ पे जब से उनको शिकायत थी कि पाकिस्तान की साइड से इन्फिल्ट्रेशन होती है तो उन्होंने फेंसिंग कर दी है पूरी की पूरी, कश्मीर में भी उन्होंने की है और बाकी जो हमारे उनके साथ मुश्तरक बार्डर हैं उन्होंने वहाँ पर भी किया है। शुरू में थोड़ा सा पाकिस्तान और उनके दरमियान अगर छोटी सी कोई बातचीत हुई थी तो पाकिस्तान ने तो कोई एतराज़ नहीं किया कि इंडिया अगर अपने यहाँ अपने बॉर्डर के अंदर कोई फेंसिंग करना चाहता है, कोई दीवार तमीर करना चाहता है तो वो तमीर कर लें। और दुनिया में बहुत सारे मेरे ख्याल ऐसे ममालिक हैं जो अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इस तरह के स्टेप्स ये लेते हैं, चाहे वो दीवारें खड़ी करें, वो पैसे वहाँ सिस्टम बना दें, वो टेक्नोलॉजिकल वहाँ कैमरे लगा दें, वो किसी की फिजिकल सर्च करें। ये उन मुल्कों का राइट है कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, अगेन हम जाते हैं, आप लोग सारे लोग जाते हैं, तो हमें भी वहाँ के जो हाँ उनके कवानीन अमेरिकन हैं, बहुत सारे लोगों की तलाशी लेते हैं, रोक लेते हैं। मैंने एक अपने प्रोग्राम में कहा था, हम एक दफ़ा यूके गए पीए की परवाज पे तो उन्होंने वहाँ पे ब्रिटेन के जो पुलिस वाले थे, जो ही पीए का जहाज़ रुका और हम लोग उतरने लगे, यहाँ से गए हुए थे इस्लामाबाद से लंदन उस पर हेथ्रो एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने कुत्ते खड़े किए हुए थे, कुत्तों के जरिए सुंघा रहे थे हमें कि ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, पता नहीं उन्होंने क्या माल उठाया होगा। सो ये राइट मेरा ख्याल है बेसिक राइट है दुनिया के हर मुल्क का कि जो उसके मुल्क के अंदर शहरी बैरून मुल्क से आएगा आपको उसके आगे सबमिट करना पड़ेगा। इस पे अफगानिस्तान का शोर जो है मेरा ख्याल है मेरी समझ से तो बालातार है, एक चीज। और दूसरी चीज, ये काम पाकिस्तान ने 15 साल लेट किया है। अगर आपको याद हो अमेरिकन ने ये उस 9/11 के बाद कर लिया था, 9/11 से पहले हमने देखे पाकिस्तान या अफगानिस्तान एक बिल्कुल ओपन एक बॉर्डर रहा है, बल्कि थोड़ी सी हमारी भी ज्यादती रही है अगर देखा जाए कि हमने भी अफगानिस्तान को 5वां सूबा समझ के ट्रीट किया। गलतियां तो हमारी भी तो हैं। एक दफा रहमान मलिक ने कहा था कि हमने 90,000 अफगानियों को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिए हुए हैं, ये कौमी असेंबली में उन्होंने कहा था। आपको जो दुबई जाए, मिडल ईस्ट में, दुनिया के किसी कोने में जाए, जो भी अफगानी मिलता है उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये जो आपको सऊदी अरब में रोजाना हम सुनते हैं फलां पाकिस्तान का वहां पर सर कलम कर दिया गया है, वो पाकिस्तानी से ज्यादा यही होते हैं जो आपके अफगान नेशनल हैं और बदनामी हमारे खाते में आ रही है। ये बॉर्डर मैनेजमेंट, ये पासपोर्ट कंट्रोल, ये नेशनल आपके आइडेंटिटी कार्ड, ये काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो माजी की एस्टेब्लिशमेंट थी, अब उनका यह ख्याल था कि नहीं जी कि ये हमारे अफगान भाई हैं, ये हमारा 5वां सूबा है, आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको कोई यहाँ पे किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, जिसका जहां पर मुंह उठाए वो आज। अच्छा हम भी जाते रहे हैं, मैं बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, जर्नलिस्ट हैं ऐसे, जो बगैर अफगानिस्तान का वीजा लेके इसी तरीके से तोरखम या इधर उधर से वो भी वो अफगानिस्तान फिर फिरा के आ जाते थे। सो ये बॉर्डर मैनेजमेंट है अफगानिस्तान को भी सूट करता है या करना चाहिए, ये पाकिस्तान को भी सूट करता है और पाकिस्तान का ये राइट है कि अपने अपने इलाकों में जहां पर वो समझे कि उसको कोई अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट करनी है, अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम लेने हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को लेने चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा उन्होंने देर किए। हाँ एक चीज हो सकती थी और जिस पे जफर हिलाली साहब बेहतर आपको पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि ये स्टेप्स लेने से पहले आपको अफगान गवर्नमेंट के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए थी कि अगेन मुमकिन है कि उनके जहन में कोई अगर खदशात थे, कि उनके जहन में प्रॉब्लम थे, तो ये फॉरेन ऑफिस के लेवल पर यह डिस्कशंस होनी चाहिए थी और हो सकती थी और शायद मामला इतना ना बिगड़ता। नहीं तो ये हालिया कशीदगी फिर नरेंद्र मोदी के दौरे से क्यों जोड़ी जा रही है अगर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस का मामला था? शाजिया ये अब वो क्या कहते हैं, हमारे भी तो जाते हैं यहाँ पे, सदर जाते हैं हमारे, नहीं सॉरी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। अब मैं कंस्पिरेसी थ्योरी इसलिए नहीं इसमें आके लेके आना चाहता कि इट कुड बी अगेन इजीली एक हो सकता है। और अफगानिस्तान मैं नहीं समझता कि इतना इमेच्योर मुल्क होगा कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे वो कहेंगे यार जरा बॉर्डर तो पाकिस्तान के साथ जंग तो शुरू करो। अगर मोदी साहब ने यह काम करना है तो उनके पास अपने मेरे ख्याल 10 फ्रंट हैं, वो खोल सकते हैं। इसलिए मुझे ये बात ज़्यादा ये काबिलज वो नहीं लगती। दुनिया में जितने ममालिक भी होते हैं वो अपना फ़ायदा देखते होते, किसी के कोई कहने पे कोई जंग शुरू नहीं करते। छोटा सा वाक्य बता दूं, 1971 की जंग हुई, अमेरिकन ने बुला के कहा था, ये बकायदा मैंने कॉलम भी लिखा है इस पे, आज आपने शायद आप रेगुलर पढ़ते हैं मेरे कॉलम, आपने पढ़ा हो कि अमेरिकन ने चाइनीज़ को बुला के कहा कि तुम जरा वहाँ पे उनके साथ इंडिया के साथ बॉर्डर को ज़रा खोलो ताकि पाकिस्तान पर मशरकी ये पंजाब में जो पाकिस्तान पे हमला हुआ है तो उसमें पाकिस्तान की मदद की जाए। और चाइनीज ने महाज नहीं खोला था भारत के साथ क्योंकि उनके इंटरेस्ट नहीं थे। इसलिए मैं ये मानने से थोड़ा सा मैं हल्का सा रिलेक्टेंट हूँ कि जो उन्होंने वहाँ पे महाज खोला है बॉर्डर मैनेजमेंट उन्होंने आके किए थे मोदी साहब के। और मैं और आपको यह भी बता दूं, माजी में दर्जनों ऐसे वाकयात हो चुके हैं जब अफगान या नेटो और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान गोलाबारी भी हुई है, इनके दरमियान जंग भी। सलाला क्या था, सलाला कितना बड़ा वाक्या हुआ था, वो तो अगेन मोदी साहब के दौर में नहीं हुआ था। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें रैशनल रहना चाहिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुश्किल मामलात हैं, इनके माजी में भारत के माजी में प्रॉब्लम रहे हैं दोनों के बॉर्डर पे। सही, हिलाली साहब आप एग्री करते हैं इस मामले में इंडिया का कोई हाथ नहीं है?
देखिए, इंडिया के अगर हाथ नहीं है वो इसीलिए नहीं है कि काबुल के जो रूलर्स हैं और ख़ास तौर कारज़ाई जो अभी तक काफ़ी पावरफुल है, और कारज़ाई और उसके भाई जैसे आपको शायद पता हो वो तो मशहूर थे ड्रग्स स्मगलिंग में। तो पहला चीज़ ये होता है जब बॉर्डर में कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, तो ये ड्रग्स स्मगलिंग जो है, मंशियात जो है, ये फ्रीली उधर से निकलता है और वापस जाता है, और बहुत लोगों इससे पैसे बनाते हैं, और ख़ास तौर काबुल की जो एलीट है और काबुल की जो हुक्मरान हैं। ये तो जरदारी के कारज़ाई के वक्त तो मशहूर था। दूसरी बात मैं कहूँगा कि TTP को अगर काबुल ने इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे वो कह रहे हैं, जैसे NDS ने कहा है उनका लीडर कि हम बदला लेते हैं पाकिस्तान पे, इसलिए कि वो अफगान तालिबान को मदद करते हैं, तो वो भी एक तरीका है। उनके लिए पैसे आते हैं पाकिस्तान से, वो हथियार आते हैं और हथियार उस पैसे से खरीदते हैं। तो स्मगलिंग है, ड्रग स्मगलिंग है, हथियार हैं। और देखिए, बात असल ये है कि हमारे लिए ये क्यों आप इम्पेरेटिव हो गया है। ये इम्पेरेटिव इसलिए हो गया है कि अगर इतने लोग मारे गए हमारे, इतने बहादुरी से लड़के ये TTP को हमने मारा है और निकाला है, कि अगर इधर कोई मैनेजमेंट ना हो, कंट्रोल ना हो, तो ये सब वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ ना सिर्फ हमें गेट्स और फेंसेस बनाना चाहिए जिधर हम बना सकते हैं, मगर हर जीपेबल ट्रैक जो बॉर्डर को क्रॉस करता है, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी की वो पेट्रोलिंग हो या माइनिंग भी तक मैं समझ सकता हूँ, मगर साथ साथ एक क्वेश्चन, एक खबरदार नहीं, एक खबरदार मैं ये कहना चाहता हूं हमारे लोगों को कि कोई जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान के खिलाफ अटैक करें उनको, कोई जरूरत नहीं है आप के जब वो आप पे गोली मारते, ठीक है तो आप जवाब दें, फर्मली जवाब दें, मगर डोंट फॉल इनटू द ट्रैप के आप उधर जाके उनको बमबारी करें और उनको मारें, इसलिए कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं वो चाहते हैं ये हो। नहीं, आपका एक ही तरीका है बदला लेने, आपके फेंस और गेट को जल्दी से बनाएं और आप जितना मैनेजमेंट कर सकते हैं जल्दी से करें। उनको एक दफे अगर पता हो जाएगा कि जितना भी गोली मारेंगे, ब्रेक लेनी है, करेंगे, ये रुकेगा नहीं। ठीक है हिलाली साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासेस साहब, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसके हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी साजिशें हो रही हैं, क्या ये जो ताज़ा तरीन कार्रवाई है आप समझते हैं इस जमन में अगर इसको देखा जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बड़ी अहमियत रखती है अगर इसको इसके साथ जोड़ा जाए? शाहजी, अगर आपको याद हो, चाइनीज जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ही थे, जब उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब भी किया था पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, उन्होंने हिंट कराए थे दो तीन, सिपैक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं शुरू हो रहा, ये पाकिस्तान के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सिपैक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लिहाजा इसके खिलाफ साजिशें हो रही होंगी, मान लेते हैं। उन्होंने कहा था ये सिपैक हम वहाँ इंडिया में भी शुरू करेंगे, उन्होंने कहा था हम ये बांग्लादेश में भी शुरू करेंगे। सो चाइना का जो कंसेप्ट है, एक रीजनल एक पावर का कह लें या इकोनॉमिक उनका विजन है, उस इकोनॉमिक विजन में सिर्फ पाकिस्तान फिट नहीं हो रहा, उस इकोनॉमिक विजन में इंडिया भी फिट हो रहा है, उसमें ये बांग्लादेश भी हो रहा है, शायद अभी श्रीलंका का मैंने सुना नहीं है वो होता है या नहीं होता, इवन अफगानिस्तान में कितनी इंटरेस्ट हैं इसकी चाइना की, ये अगेन ये हिलाली साहब का सब्जेक्ट है, मैं उनके डोमेन में शायद मैं उसमें ब्रीच कर रहा हूँ, उन्हें ज़्यादा पता होगा कि चाइना के तलुकात जो हैं वो सब ममालिक के साथ अच्छे हैं, जो हम नहीं सीख सके, हम नहीं कर सके बदकिस्मती से, हमारी अगर भारत के साथ जंगें हुई हैं, एक इशू लेके किसी का झगड़ा था हमारा कश्मीर पे था सबसे बड़ा, तो उस इंडिया और चाइना के भी जंगें हुई हैं, 1962 की कितनी बड़ी जंग थी जो उनकी अगेन सरहदी तनाज़ा था, उन्होंने बैठ के अपने सरहदी तनाज़े उन्होंने तय किए हैं, अभी भी छोटे मोटे मसले उनके चल जाते हैं, इसके बावजूद ही मोदी साहब जो हैं वो चाइना गए, चाइनीज़ वहाँ पर आते जाते, हम तो नहीं आते जाते एक दूसरे के यहाँ,
अगर आए भी सही तो उस पर बड़ी सारी कहानियां और ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बन सकती हैं। सो चाइनीज इंटरेस्ट जो है वो पूरे रीजन की है, सिर्फ पाकिस्तान गवादर सिर्फ उसके लिए वो मान लेते हैं, बड़ा अहम उनके लिए वो होगा, एक एक पोर्ट है, सी पोर्ट है, 14-16 घंटे बच जाएंगे वो वहां पे, उसमें इंडिया में भी तरक्की चाहता है चाइना, वो बांग्लादेश में भी चाहता है, ये बात हमें समझनी चाहिए। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि चाइनीज इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिकल हुकूमत से नाराज हैं, वो ये समझते हैं कि सिपाही को चलो बरौनी दुश्मन तो छोड़ देना, वो तो चलो नॉन दुश्मन है ना, वो तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डिसेबलाइज किया जाए, वीक किया जाए। अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है ये आपको मैं बिल्कुल एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन खबर दे रहा हूँ कि चाइनीज जो हैं वो इस बात पर नाखुश हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिपाही को कंट्रोवर्शल किया है। इन्होंने जो बातें चाइनी के साथ इन्होंने तय की थी, पाकिस्तानी आवाम को कुछ और बताई गई हैं, ये तो अब डॉक्यूमेंट्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं, इस पर तो डिटेल अब बहस होना शुरू हो गई है। और जो सबसे बड़ी कंसर्न है ये चाइनीज की, जो पिछले दिनों जब जनरल रहील गए हैं चाइना गए, उन्हें ये लगता है कि क्या जब यहाँ पर नई एक फौजी क्यादत आएगी 28 नवंबर के बाद, क्या वो उतनी कमिटेड होगी सिपाही के साथ जितनी जनरल रहील की कमिटमेंट नजर आती है। कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो बजट आया है, इस बजट में बताया गया कि पाकिस्तान ने 19 बिलियन रुपीज लगा के एक नई फोर्स तैयार की है जो सिपाही के प्रोजेक्ट की हिफाजत करेगी, चाइनीज की हिफाजत करेगी। तो इस मामले को चाइनीज पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, अगर आवाम के साथ झूठ बोला जा रहा है, चाइनीज के साथ कुछ और तय हुआ था। वक्त का मैं जफर इलाही साहब आपका कमेंट लेना चाहूंगी। जी 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 हिल क्लास साहब जी, शाजिया बात यह है, इतने सारे झूठ बोले गए हैं, कितनी दफा पार्लियामेंट में गुफ्तगू हुई, पनामा को देख लें, सही, इस मुल्क में मुश्किल हैं चीजें, इसमें बड़ा मुश्किल है चीजों को लेके आगे चलना, एजिटेट करना, कोई रिजल्ट लेना, क्योंकि हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं। बस आप मैं हिलाली साहब और हमारे कोई और 8-10-20 दोस्त, हिलाली साहब को भी कमेंट ले लूं, फिर जनरल साहब भी मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। हिलाली साहब देखिए, पहली बात तो यह है, तो मेरे ख्याल में मुझे ये पहले से ही कह देना था कि हमारा जो बॉर्डर्स है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और हिंदुस्तान के साथ, वो उस वक्त तक कायम होंगे, उस वक्त तक सेफ होगी जब हमारे पास ताकत हो और फौजी कुव्वत हमारा ठीक होगा। ये इंटरनेशनल लॉ से नहीं बचेगा, ये यूएन नहीं बचा सकता है। तो पहली बात हमारा ये है कि ये हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। अब आप आ गए, आपने कहा है कि चीन के बारे में, देखिए ये जो मैं कहता हूं निगली प्रॉब्लम्स जो हैं, जो कासा साहब ने जिक्र किया है, वो शायद होंगे, बल्कि जरूर होंगे। चाइनीज, हम परफेक्ट नहीं है, हर चीज जो हम कहते हैं वो चाइनीज खुश नहीं हो सकते हैं। और हाँ, हमने कहा है कि हम एक फौज रेज करेंगे, 20,000 लोग हम रखेंगे सीपेक के लिए, एक्सक्लूसिवली टू प्रोटेक्ट चाइनीज पीपल कमिंग हियर, और बड़ी अच्छी बात है, और हमने कुछ हद तक किया है। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की कोताही है, और जस्टिफाइबली चाइनीज जो हैं वो खुश नहीं हैं, और हम भी खुश नहीं हैं, अवाम भी खुश नहीं है, किसी को खुश नहीं होना चाहिए अगर हमारे तरफ से ये कोताही है। मगर ये कहना कि हमारी हर रिलेशनशिप हर मुल्क के इसलिए कि हम किसी तरीके से शॉर्टफॉल है हमारे में, खराब हो गए, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। मैं तो बैठ के आर्ग्यू करना चाहता हूं, कर सकता हूं कि ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो एक तरफ से हमारी हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मगर फॉर गॉड सेक दूसरे तरफ से जो उन्होंने किया है, जो जाल इंडिया के रॉ ने फैलाया हुआ है, वो क्या हम उसको एक्सपेक्ट करें और कुछ नहीं करें? और श्रीलंका के साथ इस फर्स्ट क्लास रिलेशनशिप है, बल्कि हिंदुस्तान को हमने एक एग्जांपल सेट किया है कि गुड नेबरली रिलेशंस का है। बांग्लादेश के साथ जाहिर है हमारे रिलेशंस कभी अच्छे ही नहीं हो सकते जब तक हसीना वाजिद उधर है, वो तो तुली हुई है इन द टू लिव इन द पास्ट। और कौन से मुल्क हो गए हैं हमारे साथ? अफगानिस्तान के एक हिस्टोरिकल चीज है, वो हमारा क्या कसूर है यार? पहले दिन से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते हैं। ये कहना कि हर चीज पाकिस्तान की कोताही है, हर चीज जो है वी आर एट फॉल्ट, आई एम सॉरी आई डोंट एग्री। मगर जिधर वो कहते हैं कुछ निगली प्रॉब्लम्स चाइना के साथ हैं एंड दे शुड बी रिमूव, आई फुली एग्री, वो होना चाहिए। ठीक है, जनरल साहब लाइन पे है मेरे साथ, जनरल साहब क्या आप समझते हैं कि ज़र्बे अस्ब का अब जैसा कि फैसला कुन मोड चल रहा है, फैसला कुन मरहले में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, जब तक पाक अफगान बॉर्डर के मसाइल हल नहीं हो जाते, यहाँ से खतरात और खदशात का खात्मा नहीं हो जाता, हमारी सरजमीन से दहशतगर्दी तखरीबकारी का खात्मा हम मुमकिन नहीं बना सकते? देखिए शाजिया, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इन्वाइट किया, आपका इंट्रो मैंने सुना है, उसके अंदर आपने फंडामेंटल और बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस रेज किए हैं,
और उसके बाद उसके ऊपर क्लासर साहब की जो कमेंट्री है और जफर लाली साहब की, ये भी बहुत जामे है और उसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता। ये दोनों एक अच्छे एनालिस्ट ही नहीं है बल्कि टॉप क्लास राइटर्स हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक तो ये जो हमारा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वेस्टर्न बॉर्डर को मैनेज ठीक नहीं किया जाएगा तो मुल्क के अंदर मसाइल दहशतगर्दी के कम नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक। लेकिन बात यह है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर 78 क्रॉसिंग प्लेसेस हैं, ये कल डिफेंस मिनिस्टर ने सेनेट में आके भी बताया। उनमें से 16 ऐसी हैं जो कि नोटिफाइड हैं और उसमें से 3-4 प्रॉपर चलती हैं, बाकी सब के ऊपर कोई प्रॉपर मैनिंग नहीं है। और ये ट्रकेबल और जीपेबल हैं ये तकरीबन जो 78 हैं। तो अभी अगर हम उसको मैनेज करना चाहते हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा या रौफ क्लासर साहब ने कहा, तो इसके ऊपर मोतरेज उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी बैन अल-अक़वामी लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है। और दैट इज द रीजन कि हम उनके साथ इसको एस्केलेट भी नहीं होना देना चाहते, बट एट द सेम टाइम ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जैसे कहा गया इसको हम करें। इसमें जो इंडिया की बात आ रही है वो ये आ रही है कि आउटराइटली शायद इंडिया उनको ये नहीं कहेगा कि जाओ और आप जाके क्लैश करो, लेकिन इसका बेनिफिशियरी इंडिया इसलिए है क्योंकि हमारी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक थ्रेट है ईस्टर्न बॉर्डर पे, और वहां से हमारी फौज इधर लगी हुई है। अगर यहाँ क्लैशेज होंगे तो इनडायरेक्टली ये इंडिया को फायदा देगा, और दैट इज द रीजन कि वो ऐसे पसे चिलबट मूवमेंट जरूर करेंगे और एनकरेज करेंगे ताकि ये एंगेजमेंट हो और वो उससे खुश होंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर बाकायदा यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है कि इसके डिफेंस स्टेटस को चेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज द रीजन कि हम उस पर ऑब्जेक्ट करते थे कि आप वाल ना बनाएं या आप बॉर्डर ना लगाएं और आप रीइंफोर्स ना करें बंकर्स को, लेकिन जब वो सीज फायर हो गया परवेज मुशरफ साहब के टाइम में तो फिर उन्होंने उसकी वायलेशन की और वो बना लिया। अफगानिस्तान के साथ हमारे इंटरेस्ट में यही है कि हम बेटर रिलेशंस रखें, लेकिन अफगानिस्तान में एक प्रो इंडिया हुकूमत है जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अमेरिका है, उनकी फोर्सेस वहां हैं, तो एक है। उस लिहाज से, लेकिन हमें चूंकि इनसे डील करना है और एक तुर्खम की पोस्ट बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे आपको, लेकिन अफगानिस्तान को तो ये बात समझना होगी ना कि मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के बगैर दोनों ममालिक के मसाइल हल नहीं हो सकते। इसी तरह बॉर्डर पर का सिलसिला जारी रहा तो ये दोनों ममालिक के लिए खतरनाक सूरत हाल साबित होगी। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद बात करेंगे डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मॉल रोड पर धरना जारी है, इस हवाले से एक छोटे से वक्त के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमद। एक डॉक्टर ताहिरुल कादरी आज लाहौर की मॉल रोड पर धरना दे रहे हैं। रऊफ क्लासर साहब, उनके साथ जमात इस्लामी भी खड़ी है, काफ लीग भी खड़ी है, तहरीक इंसाफ भी खड़ी है, ये जो सियासी सफबंदी हो रही है हुकूमत के खिलाफ ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है हुकूमत के लिए? साफ ज़ाहिर है जो नाम आपने गिनवाए हैं मासिवा पीपल्स पार्टी के, बाकी तो सारे उनके साथ खड़े हैं ताहिरुल कादरी के। पीपल्स पार्टी का इशारा खान साहब दे चुके हैं उस पर भी आगे बात करेंगे। बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में कहा था, उस पर भी बात करेंगे, वो कितना सिग्निफिकेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त लड़ाई, सियासी लड़ाई बड़ी इंतहाई तेज़ी इख्तियार कर चुकी है कि जो दो वीडियो सामने आई हैं उसकी, डॉक्टर आसिम की, ये 6 माह पहले की वीडियोज़ हैं या उससे पहले की वीडियोज़ हैं, रेंजर्स के पास थी। और अगर आपको याद हो, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैंने आपको प्रोड्यूसर को बताता, वो उनका क्लिप भी ढूंढ लेते जो चौधरी निसार अली खान ने थ्रेट किया था एक दफ़ा कि आप लोगों की जो हमारे पास ये करतूतों की वीडियो है ना जो मेरे पास, अगर वो सामने ले आऊँ तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। उनका इशारा इसी तरफ था। मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये जो वीडियो रिलीज़ की गई है इस टाइम पर, ये चौधरी निसार अली खान साहब ने, और जिस ये चैनल पर पहली दफ़ा रिलीज़ की गई है वो हुकूमत का बड़ा प्रो समझा जाता है। लिहाजा ये जो ये वीडियो रिलीज़ की गई है ये हुकूमत की तरफ से ही रिलीज़ की गई है, और ये मैसेज दिया गया है जरदारियन कंपनी और बिलावल को कि जनाब कि अब हम आपके साथ नहीं हैं, आप अपनी साइड पे खड़े रहें, हम अपनी साइड पे हैं। और थोड़ा सा कुछ पीछे जाएं, बिलावल ने जो कश्मीर में तकरीरें की हैं उसने बड़ा इनते सख्त स्टांस लिया बिलावल ने, और उनको उसने शेयर की ऐसी तैसी की है। और जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं वहाँ से लंदन से,
उन्होंने उतरते ही दोबारा वही हमला किया, उन्होंने जनाब करप्शन के समंदर में डूबे हुए जरदारी 6 अरब रुपए वापस करो, जो पुरानी ड्रामेबाजी हम सुनते रहते हैं। सो इनके मामला, और उसके बाद ये वीडियो आई है सामने, और चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में से सुई नहीं गुजरती, इतने करीबी दोस्त हैं। सो इस वीडियो से पता चलता है कि पॉलिटिकली तौर पर नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, और जो हम कहते थे कि शायद दोनों के दरमियान कोई मुक मुका चल रहा है, वो मुक मुका मुझे तो खत्म होते लग रहा है। अब उस दरमियान में यहाँ पे तैरुल कादरी साहब आ गए हैं। अब तैरुल कादरी साहब की सीरियसनेस जो है वो थोड़ी सी मेरा ख्याल लोगों के लिए डाउटफुल है। एक साल वो बहर रहते हैं, साल में एक दिन आते हैं, फिर कोई थोड़ा सा हंगामा किया, लोग इकट्ठे किए, 2-4 कस्में की, तकरीरें डिलीवर की, फिर चले गए। ये मसला जो है जो 18 या 14 लोग वहां पर जाते हैं, शायद वाकई किसी एजेंडे के तहत ये पाकिस्तान आते हैं, ये तासुर छोड़कर जाते हैं। सो उसने तैरुल कादरी साहब को माजरत के साथ, उनके फैंस को माजरत के साथ, मैं तो अब उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। अगर वो सीरियस थे, उन्हें ये बैटल लड़नी चाहिए थी। 14 लोगों का कत्ल हुआ है वहां पे, 2 औरतें मारी गई हैं, मैं मारी गई हैं, लोग मारे गए हैं, वहां पे कोई बंदा नहीं है। और इसके साथ साथ मुझे कुछ और इदारों से भी बात करनी है। एतजाज अहसन साहब ने एक बहुत बड़ी जस्टिस मूवमेंट लीड की थी, वो जी होगी रियासत होगी माँ जैसी, आप क्यों नहीं वकील बन गए उसमें, इसमें इस केस में, ये मॉडल टाउन में आपने लोगों को आगे लगाया था, आप जाते अदालतों में खड़े होते। आसमान जहांगीर साहबा से मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी मादरत था, HRCP के आप हेड हैं, ह्यूमन राइट्स की आप हमेशा चैंपियन रही हैं, वी रिस्पेक्ट यू, आपकी आपके HRCP क्यों नहीं पार्टी बना के 14 लोग मारे गए सिर्फ इस वजह से कि वो तैरुल कादरी के इसके फॉलोअर थे, या उनके उनके मुँह पर दाढ़ी थी, लिहाजा उनका कत्ल हो गया तो उनको माफ़ हो जाना चाहिए, या आपकी सिंपथीज नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, लिहाजा आपने कहा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बंदे मारे, औरतें मारे, बच्चे मारे, इनको हमने कुछ नहीं कहना। सो मुझे ज़ाती तौर पर 2-3 गिले हैं। एक सबसे पहला तो उन्होंने तैरुल कादरी साहब से है कि आपने सीरियस तरीके से इस मसले को डील नहीं किया, आप अदालतों में आपको पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, ये मीडिया आपके साथ खड़ा था, मुझे एतजाज अहसन साहब जो नारे मारते थे, एतजाज अहसन नारे मारते थे कि रियासत होगी माँ जैसी, तो हजूर वो अगर आपको फीस नहीं दे सकते आप इस केस में पार्टी बनते। और आसमा जहांगीर साहबा से HRCP बहुत बड़ा नाम था, आपके पास भी इतना टाइम नहीं था, आपके पास भी प्रायोरिटीज नहीं थी कि 14 लोग मारे गए हैं, आपकी तरफ से कभी सुना ही नहीं है, कभी जिक्र ही नहीं हुआ। जफर इलाली साहब, जो बात रऊफ क्लासा साहब कर रहे हैं, अगर इसे मान लिया जाए कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो रोमांस था अगर वाकई ये खत्म हो गया, तो आने वाले दिनों में जो सियासी मंजरनामा है ये क्या फिर शक्ल इख्तियार करेगा? ये बड़ा खतरनाक शक्ल इख्तियार करेगा गवर्नमेंट के लिए। मगर इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे तजियाकार मैंने सुने थे इससे पहले, और हमारे दोस्त क्लासरा साहब भी उनके साथ हैं, वो कहते हैं ये बड़ा फ्रॉड है, ये हमारे जो कादरी साहब हैं बड़े एक्टर हैं, एक स्क्रिप्ट के साथ आए हैं, ये जो हैं बस भाग जाएंगे, इधर आए हैं एक एक्टिंग की रोल प्ले करने, कैनेडा चले जाएंगे पैसे लेके, ये वो। देखिए कहने की बात सिर्फ ये है, मुझे आप बताएं 14 लोग मारे गए हैं, 14 लोग, 70 लोग जख्मी हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, कौन सा आदमी है जो उनका बदला लेना चाहता है, कौन सा आदमी है जो इंसाफ दिलवाना चाहता है उन लोगों को, ये बताएं ना। इनके कितने ये हमारे तजियाकार क्लासरा साहब एक स्टूडेंट जो बैठ के बात करते हैं, ये क्या इन्होंने लिखा है, क्या किया है इंसाफ के लिए? आया है कादरी, बड़ी अच्छी बात की है, लड़ने आया है, एक दिन अब के इंसाफ लिए तो क्लासरा साहब ने नहीं दिलवाना, इंसाफ तो तजियाकारों ने नहीं दिलवाना। क्लासरा साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी एक चैनल से देख के आया हूं, सब लोग इस कादरी के पीछे लगे हुए हैं, ये बेचारा पहले ये आया है ये कहने के मुझे इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ के लिए आया है, और हम इसको ये कर रहे हैं, उसको डिरोगेटरी बातें कर रहे हैं उसके साथ। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में अब तक तो ये मतलब ये है कि इस मुल्क में यू कैन गेट अवे विद मर्डर, आप कातिल हो, पावरफुल हो, खत्म, बात खत्म हो जाएगी, चले जाएंगे। इस मुल्क के इंसाफ के बारे में अगर आप सुनना चाहिए, मैं आपको बता सकता हूं कि परसों क्या हुआ एक थाने में इधर, मैं ये कब तक हम चलेंगे जब इस मुल्क में ना खाना है ना पीना है ना पानी है ना नौकरी है ना इंसाफ है, और एक आदमी आता है बेचारा कोशिश करता है कि उसके लोग जो मारे गए हैं उनके। लेकिन जफर याली साहब, डॉक्टर तारुल कादरी पर जो एतराजात उठाए जाते हैं वो ये हैं कि वो खास वक्त के लिए आते हैं, एहतजाज करते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद लंबे अरसे के लिए बाहर चले जाते हैं, उसके बाद फिर इंसाफ कौन लेगा? जो इंसाफ की आवाज उठा रहा है, जब वही साला साल बाहर रहेगा तो पीछे आवाज कौन उठाएगा? आप उठाएंगे भाई? ठीक है, वो तो जो भी वजह है मैं बिल्कुल बात मानता हूं, मैं उसका कोई ऑटोमेटिक सपोर्टर नहीं हूं, मैं समझता हूं कि वो बाहर चले जाते हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने गलती की है,
मगर यार अभी तो आया है, अभी कुछ तो कर रहा है, वो 14 लोगों का इंसाफ के लिए आ रहा है। इधर से शुरू हो गए ये इनके खिलाफ के ये है वो है ये है। आपने क्या किया ये 2 साल जो गुजर गए हैं, बताएं तो सही कितने डेमोन्स्ट्रेशंस आपने किए हैं, क्या किया आपने? हमें तो जस्टिस बाकर नजवी की वो रिपोर्ट याद है जिसमें शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदार ठहराया गया था, उसके बाद कौन क्या कर सकता है? मुझे एक वक्फा लेना है, उसके बाद बताएं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद क्लासेस। आप गुज़श्ता धरने में आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बचाने में अहम किरदार अदा किया था। बिलावल साहब कहते हैं कि हम भी सड़कों पर आएंगे, नवाज हुकूमत को कोई रास्ता नहीं देंगे कि ये भाग जाएं करप्शन के एहतसाब से। तो अगर तो इनकी बात को सच समझ लिया जाए, और दूसरी जो आपने पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो डॉक्टर आसिम की वीडियो रिलीज की गई है इस मौके पर जो 6 माह पहले की थी, तो अब अगर उस वीडियो को देखा जाए तो क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए थ्रेट है? और इस वीडियो रिलीज होने के बाद जो सामने आई है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर आने की जरूरत करेगी? मैं इस पर बात कर दूँ पहले, जरा तो जो हिलाली साहब ने हमें चार्ज शीट किया है, मैं जरा उस पर बात कर लूँ। हिलाली साहब का ये फ्रस्ट्रेशन गुस्सा समझ में आने वाला है, वो दिल से बात कर रहे हैं, उनको भी दुख हो रहा है जैसे हम सबको हो रहा है। मेरा ख्याल अगर वो कहेंगे तो मैं बहुत सारे क्लिप इनको अपने प्रोग्रामों के भिजवा दूंगा, आपके साथ भी कई दफ़ा किया हमने, कि हमारा स्टांस क्या उसमें रहा है। मैं अपनी चलें बात कर लेता हूँ, क्या एज ए जर्नलिस्ट मैं मॉडल टाउन में होने वाले कत्ल जो थे ये मासूम लोगों का, मैं उनको सपोर्ट कर रहा था। हाँ जी, वो बलवा कर रहे थे, ज्यादती कर रहे थे, लिहाजा गोलियां मार दी गई, बिल्कुल अच्छा हुआ है, जमहूरियत में होता रहता है, चलता रहता है। माफ़ कर दें, छोड़ें जी, शहबाज शरीफ साहब को छोड़ें, राना सनाउल्लाह को छोड़ें, चलता रहता है। ये मैंने कभी कोई इस तरह की कभी गुफ्तगू की हो, या मैं मजलूमों के साथ मैंने खड़े होकर आवाज़ बुलंद नहीं की। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जैसे अब उस हिलाली साहब एक एनालिस्ट हैं, आप एक एंकर हैं। हमारा जो एक डिफाइंड रोल है, अगर मैं वो अपना रोल नहीं प्ले करता रहा इस पिछले साल 2 साल में, यस ब्लेम मी, आपको भी करें, हमें सबको करें, कि हम जो हैं जालिमों के साथ खड़े थे उनको जस्टिफाई कर रहे थे, या हम इनके साथ खड़े थे कि इनको इंसाफ दें। अब इंसाफ देना किसका काम है? ये मीडिया हाईलाइट ही कर सकता है ना। ये इंसाफ देना पुलिस का काम था, कि वो टैक्स पेयर से पैसा लेते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है पुलिस का, उनको इंश्योर करना चाहिए था। चलो उन्होंने नहीं किया, तो अदलिया का काम था कि वो इंश्योर करती, और उसमें हमने देखा जस्टिस बाकर नकवी जैसे ऑनरेबल लोग सामने आए, वहां पर नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट का काम था। आपकी यहाँ पे आपकी पाकिस्तान बार एसोसिएशन हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, और बहुत सारे तबकात हैं, ये उनका काम था जो हुकूमत से या हमारे टैक्स पेयर से तनख्वाहें लेते हैं, जिनका काम है कि मजलूमों को और मकतूलों को उनके वर्सा को इंसाफ दिया जाए, जो इसी चीज के लिए बनाए गए हैं, जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जजेस को मिलती हैं, पुलिस को मिलती हैं, और दीगर जो इदारे हैं उनको मिलती हैं, पॉलिटिशियंस को मिलती हैं। हमारा काम था इसको एजिटेट करना। अगर हम हक सच के साथ नहीं दे रहे थे तो हिलाली साहब की बात ठीक है कि हम जाति कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, उनका यह कहना कि मैं आप क्या कर रहे थे, आप और मैं यही कर सकते थे कि लोगों में अवेयरनेस दें, उन्हें बताएं कि मजलूम कौन है, जालिम कौन है। ये काम है मीडिया का। अगर मीडिया इस काम में नाकाम हुआ है तो बिल्कुल उनके हिलाली साहब का जायज गिला बनता है, और मैं जाती तौर पर समझता हूँ मीडिया ने इस मामले में तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर ब्राइब के बावजूद, इनको अंदाजा ही नहीं है हिलाली साहब को कि कितने दबाव जो हैं ये चैनल्स मालकान पे डाले गए हैं, अखबारात पे डाले गए हैं, कैसे कैसे ब्राइब हुए हैं। मुझे जिम्मेदार ठहराया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जब जस्टिस बाकर की रिपोर्ट सामने आई तो वो बिल्कुल भी इस पर अमल नहीं किया गया। हम तो आज भी अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं, आज भी ये सवाल उठाते हैं। मीडिया है, मीडिया ही कर सकता है हमारे पास में जी। हिलाली साहब जज सर, एक लास्ट बात सर, एक लास्ट बात हिलाली साहब, मीडिया ना जज है, ना ज्यूरी है, ना हैंगमैन है। आप और मैं आवाज उठा सकते हैं, हाँ क्वेश्चन करना कोई अगेन कादरी साहब के आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है कि कादरी साहब पे कंडक्ट पे, उनके करेक्टर पे, या उनकी उनकी डीलिंग पे बात नहीं हो सकती। अगर क्वेश्चन है, कादरी साहब इज क्वाइट एलोकेंट मैन, अच्छा बोलते हैं, अच्छी तकरीर करते हैं, तो वो उनका जवाब दे सकते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव ना लेंगे। अगर कोई लोग सवाल उठाते हैं, ही हैज ऑल द राइट्स टू रिप्लाई देम, वो रिप्लाई करते भी हैं और बड़े मेरा ख्याल अच्छे तरीके से करते हैं। हिलाली साहब मैं एक चीज कहूंगा कि क्लासरा साहब, मैं आप पे नहीं ये कर रहा था, मगर जब आपने फिर आपने भी
शक दोहराया अपना कि ये आदमी आया है और भाग जाएगा, इसलिए पहले दफे आया था और भाग गया था। मैं सोच रहा हूं कि भाई ये कम से कम आया है, इसको थोड़ा सा बात करने दे, बोलने दे, इसका प्लान तो थोड़ा सा देखें, उसके बाद मेरे ख्याल में आप अगर ये कंक्लूजन आपका है कि फिर यही होगा तो सही है। मैं कह रहा हूं आने से पहले उसका एक लफ्ज नहीं कहा है, उससे पहले ये सब बरस गए उसके ऊपर, क्योंकि पिछले धरनों में ये टाइमलाइन डेडलाइन देते रहे हैं, एक घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, खुदा की कसम रियासत खत्म हो जाएगी, सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये बड़े लायमल हम डॉक्टर ताहिल कादरी के देख चुके हैं, मेरे ख्याल में आपको भी सब पता है लाली साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दफे इनको देखिए, हम लोगों को कब से वादा किया गया है कि भाई हम करप्शन को नहीं टॉलरेट करेंगे, ना इंसाफी को नहीं करेंगे, हम जो हैं, हम जो ये और वो, अब देखिए उनके दोस्तों आगे आ रहे हैं, किसके, नवाज शरीफ साहब के, एज इफ के वो जो जबरदस्त एक हुक्मरान हैं, ओबामा साहब उनके एक दोस्त आ गए, दो दफे उनके खुशहाली के लिए पैगाम भेजा है, मोदी साहब आ गए हैं उनके एक और दोस्त, प्रिंस चार्ल्स आ गए हैं, और घर और इस मुल्क में जो अमीर जो हैं वो आ गए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है जो करप्ट हैं वो आ गए हैं, और जो ताकतवर हैं वो भी आ गए हैं। तो लगता मुझे ऐसा है कि इनको निकालना, हालांकि इनकी परफॉर्मेंस सब लोग जानते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो अगर ये बेचारा आके, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि सब लोग इसको गाली दे रहे हैं अभी से ही, अगर ये आके कोशिश करेगा तो देखें, मेरे ख्याल में हमें कहना चाहिए काश कि ये कामयाब हो और इंसाफ मिले, बस यही मेरा कहना है। चलें, मेरा आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाएगा, डॉक्टर ताहिल कादरी साहब धरने वाली जगह पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो क्या लाए अमल का ऐलान करेंगे, हम जो हम अपना कल प्रोग्राम करेंगे इसमें जरूर डिस्कस करेंगे। आखिरी सवाल क्लासेस साहब, राणा सनाउल्ला साहब कहते हैं कि तमाम जो प्रो मुशर्रफ जमातें थी वो इकट्ठी हो गई हैं, तो इन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो जमातें हैं ये वजीर आजम के खिलाफ इन्होंने सफबंदी कर ली है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? मेरा ख्याल है राणा साहब को अब हमें सीरियसली उनको लेना चाहिए, उनकी बातों को, उनकी गुफ्तगू को, जिस तरह अब किसी ज़माने में अच्छी कोई बेहतर गुफ्तगू करते थे, उनके साथ डायलॉग होता था, मैं भी कई टीवी शोज़ में उनके साथ बैठा हूँ, अब मैं उनको देखता हूँ अक्सर ये टीवी शोज़ पे, मुसलसल गुस्से की हालत में है, फ्रस्ट्रेशन की हालत में है, लड़ने के मूड में है, और दुख होता है कि अच्छा पॉलिटिकल वर्कर वो बेचारा कैसे अपनी पॉलिटिकल अपने मसलहतों का शिकार हुआ है। मुझे राणा साहब से ये पूछना है, प्रो मुशर्रफ जमाते हैं वो ज़रा थोड़ा सा उस नज़र दुराए, नवाज़ लीग में न कितने कितने प्रो मुशर्रफ तो छोड़ें, जो मुशर्रफ के बड़ी थे, उसके वजीर थे, एडवाइजर थे, वो बैठे हुए, नाम गिनाना शुरू करूं मैं अभी? मैं भी गिनवा सकती हूं। नहीं, थोड़ा सा बंदा खुद देख लेता है कि आप वो कहते हैं ना कि अब ताना देने से पहले जरा देख तो लें कि आपके अंदर कितने बैठे, आप में जुरात है राणा सनाउल्ला में नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से पूछे कि एक्सीलेंसीज आपने मुशर्रफ के इन हामियों को जिन्होंने राणा साहब पे, सुनने जरा, राणा सनाउल्ला साहब पे जनरल मुशर्रफ दौर में तशद्दुद किया गया था, एजेंसीज ने किया था, और जब तशद्दुद हो रहा था ये सारे मिनिस्टर मुशर्रफ के साथ बैठे थे जो नवाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट में बिठाए हुए हैं, क्या राणा साहब ने अखलाकी जुरात का मुजाहरा किया कि नवाज शरीफ को कहता है कि सर उन लोगों को आप वजीर बना रहे हैं जो मुशर्रफ के साथ मेरे ऊपर तशद्दुद में शामिल थे? पर राणा साहब को सीरियस ना लिया करें, अपनी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आते हैं गुस्सा करते हैं, दो चार को डांट डपट करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उनको किसी वक्त आपके शो में है ना तो ये 10 नाम, ये 15-16 उनको वजीरों को गिनवाइएगा, आधी से ज्यादा पार्लियामेंट राणा साहब को बताइएगा कि जिसकी ये ताकत पे आपके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब या बादशाहत की तरह हुकूमत कर रहे हैं वो जनरल मुशर्रफ के हैं, सारे के सारे PMLQ से ज्यादा जो है वो जनरल मुशर्रफ की थी, वर्दी के साथ वोट भी डाले उन्होंने, मुशर्रफ को कंधों पर भी उठाया और मुशर्रफ को 10 साल के लिए उन्होंने आके मजीर सदर भी बनवाना था। वो सारी प्रो मुशर्रफ जमातें छोड़े, प्रो मुशर्रफ वजीर हैं, वो आपकी कैबिनेट में बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं। चलें, अगले प्रोग्राम में आपके होते हुए मैं राणा साहब को लाइन पर लूंगी, पहले तो लड़ाई करेंगे आप राणा साहब, भाग जाते हैं वो, आपका नाम सुनते ही भाग जाते हैं, हम करेंगे लड़ाई की उनसे होगी राणा साहब की मेरी फिर एक दफा, जबरी लाली साहब योर कमेंट प्लीज। अगले हफ्ते आई थिंक ये क्लासरा साहब, ये जो राणा साहब है ही इज अ जोक, इनको ज्यादा पब्लिसिटी आप ना दें, ये मेरे ख्याल में नोबडी कैन टेक हिम सीरियसली, ये मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के कुछ लोग हैं जो उनको वीकन करते हैं, एंड राणा सनाउल्ला इज नंबर द फर्स्ट अमंग्स देम।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जफरुल लाली साहब आपका, रऊफ क्लासा साहब आपका, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारुल कादरी साहब थोड़ी देर में मॉल रोड पर पहुंच जाएंगे, तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे, अपना का जो लाहे अमल है उसका भी ऐलान करेंगे। हम अपने कल के प्रोग्राम में इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।